हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स के एक प्रॉब्लम को और जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें मैसेज करके अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इफ़ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसेलेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व वी कॉन्स्टेंट ओके थ्रू आउट द मोशन एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ मोशन टर्न्स इन टाइम्स टी इज गिवन बाई साइज इक्वल टू ए लॉग वन प्लस बी डी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एसेलेशन जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, और जो एंगल साई है थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इन टाइम टी वो इसके द्वारा दिया जाता है, मतलब कि इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एसेलेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है इन इंट्रिंजिंग सिस्टम टेंजेंशियल एसेलेशन, जो टेंजेंशियल एसेलेशन होता है उसको हम लिखते हैं एस डबल डॉट। ओके, और जो नॉर्मल एसेलेशन का कंपोनेंट होता है, नॉर्मल एसेलेशन जो होता है उसको हम लिखते हैं एस डॉट साई डॉट। और इसमें क्या कह रहा है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसेलेशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व वी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो हम मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट मान लिया। अब देखिए, इससे एस डबल डॉट इज इक्वल टू क्या है, ए। यस डबल डॉट का मतलब क्या होता है, इस यस को टी के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्रिएटिंग, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग वी हैव, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये हमें मिलेगा एस डॉट इज इक्वल टू ए टी प्लस सी। ओके, ये डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है, आपको पता हो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें मिला एस डॉट इज इक्वल टू इतना। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, एस डॉट साई डॉट इज इक्वल टू बी। ओके, तो एस डॉट की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा साई डॉट इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे एस डॉट की वैल्यू, एस को हम इधर नीचे लेते आते हैं तो यह जाएगा ए टी प्लस सी। हमने किया क्या, यहाँ पे जो दूसरा नॉर्मल वाला कंपोनेंट है यहाँ पे एस डॉट की वैल्यू हमने पहले वाले के जो हमने इंटीग्रेट किया हुआ था उससे पहले वाले की वैल्यू रखी और हम इसको यहाँ पे इसके नीचे लेते आए, एस डॉट की वैल्यू इतनी हमने यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, डी साई बाई डी टी। ओके, ये इसको हम इस कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी साई डी टी इज इक्वल टू वी ए टी प्लस सी। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इन दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग। ओके, ये है जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा साई इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा बी लॉग ए टी प्लस सी, और इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा ए। ओके, प्लस सी डैश एक कांस्टेंट लगाते हैं, सी यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया था, अब की बार सी डैश हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ओके, ये इतना हो गया। अब यहाँ से हम सी डैस लगाते हैं इनिशियल कंडीशन, तो पहले हम इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, टी बराबर जीरो होगा, साई बराबर जीरो होगा। अब हम कांस्टेंट सी डैस की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा वी वाई ए लॉग ए टी, यहाँ पे टी क्या होगा, जीरो होगा, प्लस सी डैस। तो हमें सी डैस की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें सी डैस मिल जाएगा माइनस बी बाई ए लॉग सी। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू से हम इक्वेशन नंबर वन में सी डैस की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साई इज इक्वल टू बी बाई ए, हम इक्वेशन नंबर वन को ही लिख रहे हैं, ए टी प्लस सी, और सी डैस की वैल्यू क्या है, माइनस बी वाई ए लॉग सी। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बी वाई ए को बी वाई ए हो जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए टी प्लस सी बाई
सी, ओके, जो कि बाद में चेंज हो जाएगा बी बाई ए लॉग ए बाई सी टी प्लस वन। अब आप इस चीज़ को अगर कंपेयर करें जो कि हमें प्रूफ करना था इससे, तो आपको पता चलेगा ए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे आपको बी बाई ए मिल जाएगी, और जो बी है बी की वैल्यू आपको यहाँ से ए बाई सी मिल जाएगी, और ये जो है वो इसी फॉर्म का है। ओके, आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि साई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा साई इज़ इक्वल टू ए, ए की जगह ये है, बी की जगह आपका ए बाई सी है टी प्लस वन, और ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।